पीएम मोदी ने अब तक क्यों नहीं पहनी मुस्लिम टोपी? सीएम योगी ने भी कभी नहीं पहनी है मुस्लिम टोपी। जब योगी मोदी को मुस्लिम टोपी पहनाने का प्लान बना, मौलाना का आखिरी वक्त में योगी मोदी ने हाथ पकड़ लिया। मुस्लिम टोपी की सियासत हिंदुस्तान में आजादी से पहले की है, लेकिन आजादी के बाद इसका रूप सियासी हो गया। कौन टोपी पहनता है और कौन टोपी पहनाता है, इसी की सियासत में हिंदुस्तान उलझ गया। बीजेपी नेता और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, बीजेपी नेता राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और संबित पात्रा जैसे बीजेपी नेताओं ने भी बारी बारी से मुस्लिम टोपी पहनते रहे। लेकिन मोदी और योगी सियासत के दो ऐसे नाम जिन्होंने कभी भी मुस्लिम टोपी से दोस्ती नहीं की, आखिर क्यों? और आखिरी वक्त में दोनों नेताओं ने टोपी पहनाने वाले मौलानाओं का हाथ पकड़कर किस बात का इशारा किया था? ये बात किसी से छिपी नहीं है कि 2014 के चुनाव में पीएम मोदी को वोट मुसलमानों ने भी दिया था और 2017 में बीजेपी को यूपी में मुसलमानों ने जमकर वोट दिया। लेकिन मोदी और योगी को इस बात की फिक्र नहीं है। जब देश में किसी मौलाना को तिलक लगाने के लिए नहीं कहा जाता, तो फिर हिंदू नेताओं को टोपी पहनाने की परंपरा कब शुरू हुई? मुस्लिम टोपी किसने पहने किसने नहीं पहने, इससे ज्यादा दिलचस्पी हमारे यहाँ इस बात पर ली जाती है कि योगी मोदी ने मुस्लिम टोपी पहनी या नहीं पहनी, और नहीं पहनी तो क्यों नहीं पहनी? क्या वो सेकुलर नहीं है? क्या वो भारत में सबका साथ सबके विकास की बात नहीं करती? इसकी एक कहानी है, वो भी बहुत पुरानी नहीं। मोदी योगी अगर मुस्लिम टोपी पहन लेते तो आज बीजेपी यहाँ न होती और फिर यहाँ अपना भविष्य ना तलाश रही होती। फिर भी हम कहानी की शुरुआत करते हैं आज से ठीक 10 साल पहले। साल था 2011। मंच पर मोदी और मौलाना थे, हाथों में टोपी और शॉल थी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2011 में मुस्लिम इमाम के हाथों टोपी पहनने से साफ इनकार कर दिया था। 2002 में गुजरात में हिंदू मुस्लिम के बीच जो नफरत की दीवार खड़ी हुई, इसको खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी ने 2011 में सामाजिक सद्भावना कार्यक्रम शुरू किया। इस कार्यक्रम में इमाम मेहंदी हसन बाबा ने जेब से एक गोल टोपी निकाल ली, मोदी को पहनाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने उन्हें रोक दिया। लेकिन जेब से टोपी निकालने और मोदी के सिर तक टोपी को पहचाने के बीच आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहले से ही साफ नहीं था कि मौलाना मोदी को टोपी पहनाना चाहते हैं या इस बात की चर्चा मोदी से खुद की गई हो। हालांकि उन्होंने टोपी नहीं पहनी। टोपी नहीं पहनने पर मोदी की जबरदस्त आलोचना की गई, इसे उनकी मुसलमान विरोधी मानसिकता भी बताया गया। हालांकि उन्होंने उसके बाद आज तक कभी मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनी, जबकि दूसरे धर्मों के प्रतीक चिन्हों को वो हमेशा स्वीकार कर लेते हैं, चाहे सिख समुदाय की पगड़ी बांधनी रही हो या फिर इसराइल में यहूदी समुदाय की परंपरा वाली टोपी को पहनना रहा हो, उन्होंने हमेशा बेबाकी से स्वीकार किया। फिर मुस्लिम टोपी क्यों नहीं? मौलाना प्लानिंग से मोदी को टोपी पहनाने आए थे, मुसलमानों को ये दिखाने आए थे कि मोदी टोपी नहीं पहनेंगे। ऐसी तस्वीरों से साफ होगा मोदी मुसलमानों के नेता नहीं है। लेकिन चुनाव से पहले मोदी ने बिना डरे मुस्लिम टोपी नहीं पहनी। कुछ ऐसी ही कहानी अपने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की है। मोदी की घटना के ठीक 7 साल बाद यानी साल 2018 में योगी आदित्यनाथ संत कबीर नगर के दौरे पर थे। उसी दौरान वो एक मस्जिद में गए, लेकिन वहाँ पे ठीक वैसा ही हुआ जैसा मोदी के साथ गुजरात में हुआ। यहाँ तस्वीरों को ध्यान से देखिए तो आप देख पाएंगे कि मौलाना ने टोपी उठाई और योगी को धोखे से पहनाने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बाउंसर की तरह ढक कर दिया। इस बात के लिए सपा नेताओं ने खूब हंगामा किया। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया था कि वो सीएम हो या ना हो, वो नेता रहे या न रहे, लेकिन किसी भी हाल में मुस्लिम टोपी नहीं पहनेंगे। इस तस्वीर को देखकर इस बात का आभास आप लगा सकते हैं कि जब मौलाना ने अचानक तेजी से टोपी पहनाने की कोशिश की तो योगी आदित्यनाथ का हाथ अपने मुंह के ठीक ऊपर था, यानी एक सेकंड की देरी भी होती तो योगी आदित्यनाथ के सिर पर उस दिन मुस्लिम टोपी होती। दरअसल बीजेपी के लिए योगी मोदी का चेहरा हिंदुत्व का ब्रांड है। हिंदुओं को दोनों नेताओं से बहुत उम्मीद होती है। ओवैसी के समर्थक नहीं चाहेंगे वो कभी तिलक लगा के रैली में आए, तो फिर मोदी योगी को लेकर ऐसा क्यों सोचा जाता है? योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी के साथ दो अलग अलग साल में दो अलग अलग मौलाना ने टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने एक ही अंदाज में टोपी नहीं पहनी। योगी अगर उस दिन टोपी पहन लेते तो शायद उसी दिन उनकी राजनीतिक सीढ़ी
आगे की खत्म हो जाती और मोदी आज यहाँ शायद ही होते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।